हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस पेपर ऑफ़ इंडियन बैंक क्रेडिट ऑफिसर स्केल टू एन स्केल थ्री पिछले सालों में एग्जाम क्या आया था दैट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको तैयारी करते हुए क्या पढ़ना चाहिए वट यू शुड एक्चुअली स्टडी टू इम्प्रूव योर स्कोर अदरवाइज यू विल भी स्टार्टिंग टोटली इेलिवेंट स्टडी मटीरियल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टोटली इरेलीवेंट स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं Just go through this video that would help you to understand what you should actually study for your exam, right? So SO Credit Officer ka jo course hai, already it's available uh, on bankexamstudy.com. We are providing video classes, notes, kubizes, and the power capsules. Please check the course. The links are available in the description. First of all, in the reasoning ability section, there was sit up there were puzzles Ye 2020 my exam hua tha, actually so there were puzzles two puzzles see right easy puzzle was there then sitting arrangement then chinese coding and decoding syllogism inequality machine input output direction sense test uh, statement and conclusion statement and assumptions and some blood relation kind of questions other questions we can add up so five questions right so this was the pattern of the reasoning ability section this section was relatively tough in the 2020 exam as compared to other sections क्वाटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा ईजी था सो इन द क्वानिटिव ऐप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ ट्वेंटी टेन क्वेश्चन वर वेरी ईजी रीजनिंग में ऐसा कंफर्ट नहीं था सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन अगेन दिस इज वेरी ईजी है हमेशा ही ईजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रॉन्ग सीरीज प्रॉब्लम मैंशन में एक आ गया था विच इज रियलीक थिंग ऐसे एग्जाम्स में आता नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन था सेवन क्वेश्चन फ्रॉम अदर टॉपिक्स टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रिश्यूज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन ऐसे टॉपिक्स में से सात क्वेश्चन आए थे टोटल डेटा इंटरप्रिटेशन वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज देर वॉज रीडिंग कॉम्प्रियशन ऑफ ट्वेंटी मार्क्स रीअरेंजमेंट ऑफ फाइव मार्क्स मैच द फॉलोइंग एर स्पॉटिंग क्लोज टेस्ट पैरा जम्बल्स एंड फ्रेजिज राइट सो बेसिक कॉमन है सिलेबस ऐसा ही आता है

काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द क्रेडिट ऑफिसर का सिलेबस क्रेडिट ऑफिसर के सिलेबस में रेशियो एनालिसिस में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं परिपासु आ गया आपका वड यू मीन बाय द टर्म परिपासु दैट मींस जितने भी लेंडर्स हैं ऑल द लेंडर्स हैव द सेम राइट दैट मीन्स परिपासु इक्वालिटी सो दिस इज लीगल लीगल टर्म ये एक लीगल टर्म है IBC में यूज होती है जब आप वेन यू रीड आई बी सी ऑफ सरफाइसी एक्ट दिस टर्म इज़ यूज बी सी बी सी एस बी आई बैंकिंग ओजन स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म आया था सी आर एस सी आई का फुल फॉर्म मुद्रा लोन में तरुण का लिमिट कितना है गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट प्लीज़ नोट दैट डाउन फुल फॉर्म्स आ जाती हैं काफ़ी एग्जाम में सो वेनवर यू आर रीडिंग एनी आर बी आई सर्कुलर एनी गवर्नमेंट स्कीम प्लीज चेक द फुल फॉर्म एज वेल फुल फॉर्म देखना आपका अब जरूरी है राइट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट रेशियो अगेन रेशियो एनालिसिस प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग दिस इज इन आर बी आई सर्कुलर वट इज दिस इज इन आर बी आई का सर्कुलर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आई वुड से स्टूडेंट्स वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर मास्टर सर्कुलर है इसका सो देर आर ऑन फर्स्ट ऑफ एप्रिल अलॉट ऑफ मास्टर सर्कुलर हैज़ बिन रिलीज तो वो सारे हमने ऑलरेडी कोर्स में मैंने पढ़ा रखे हैं वेन एवर देर इज एन अपडेट आई मेक एन अपडेट इन द कॉर्स राइट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मिनिमम लिमिट सो यहाँ पर आई बी सी अब पढ़ के चले आई बी सी और सरफाईसी एक्ट आई बी सी और सरफाईसी एक्ट Even on YouTube, I have done a lot of videos on IBC and Surf IC Act. Even in the course, it is available. Priority sector lending again. Three questions were there directly from priority sector lending. Basal three ke norms are really important. This question is also from Basel 3. Three questions directly from Basal norms are there. Treads ka full form again. Uh, full form Who Who's the authorized person for the auction? Authorized officer of the bank. This is a general question. General banking question, right? Aapko kahin bhi

ईसी जी सी वर्क वर्क फॉर वट पर्पज दीज आर जनरल क्वेश्चन आई वुड से एन बी एफ सी एम एफ आई का होल्डिंग हाउसिंग का लिमिट कितना है होल्डिंग वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तब था अब शायद बढ़ चुका है सो यहाँ पे दिस इज एन आर बी आई गाइडलाइन दिस इज एन आर बी आई सर्कुलर प्लीज डोंट लुक एट द आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी दैट इज नॉट करेक्ट Uh, ये अभी उतना रेलिवेंट नहीं रहा इन ट्वेंटी ट्वेंटी दैट वॉज इन द न्यूज़ उस टाइम पे ये न्यूज में था उस टाइम दर्कुलर वॉज इन द न्यूज़ राइट नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन दिस इज एन आर बी आई सर्कुलर आई वुड हाईली रिकमेंड यू स्टूडेंट टू रीड एट लीस्ट वन ईयर वन एंड हाफ ईयर ऑफ आर बी आई सर्कुलर वन एंड हाफ ईयर टू टू ईयर तक के आप आर बी आई दो साल के ही पढ़ लो दैट इज हाईली रिकमेंडेड लास्ट टू ईयर्स के आर बी आई सर्कुलर आप पढ़ेंगे दैट इजली रिकमेंडेड उसमें से काफी एग्जाम आता है क्रिलिक्स रिपासिंग लोन लिमिट अगेन दिस इज एन आर सर्कुलर सी सी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिड बी दिस इज अ गवर्नमेंट स्कीम उस टाइम पे दिस गवर्नमेंट स्कीम वॉज वेरी वेरी पॉपुलर फंड फ्लो स्टेटमेंट में से एक क्वेश्चन बस यार कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट दिस इज फ्रॉम प्योर एफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सो पी एम ई जी सब्सिडी लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी दैट गवर्नमेंट स्कीम वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एट दैट पॉइंट रूरल हेल्प इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट नाबार्ड के फंक्शंस राइट लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिक्री फॉर फाइलिंग अट सो लॉ ऑफ लिमिटेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला एक चैप्टर है देर इज़ अ चैप्टर कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑल दीज टॉपिक्स दिज टॉपिक्स द लॉ ऑफ लिमिटेशन ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में ही कवर हो जाते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन के छोटा सा टॉपिक है लॉ ऑफ लिमिटेशन का डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सो प्लीज गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर अवेलेबल इन द कॉर्स ये डॉक्यूमेंटेशन में आता है मिनिमम शेयर होल्डर्स इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी दिस इज अगेन इन जनरल कवर्शन इसको आप इसके लिए पूरा कंपनी इज नॉट फ्रूटफुल आई वुड से NPA percentage in providing substandard asset. So, this is directly from IRAC norms. See, IRAC norms se hai, available in the course. Regulator of import, export, DGFT. Again, this is a general question. What is reserved capital? Uh, this is the pure banking. Uh, ka full form, general question. One more question working capital method. This is directly from FM. So, what you can note is IRAC norms, documentation, RBI ke circulars, government schemes. Basics of FM, uh, the documentation. There are some general questions. Letter of credit. Uh, these kind of questions, types of mortgages, uh, basics of banking, the banking terms. All these topics are really, really important. So students, all these questions, all these topics are covered in the Indian Bank SO Credit Officer Course 2023. The WhatsApp number is 9067201000. If there is any doubt in your mind, ask your doubts and we are going to answer your doubts. We are providing video classes or notes, quizzes, and the test series in our course. You can join our course on bankexamstudy.com. All these students they took our courses in the past and they uh, cracked their respective exams. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day bye-bye uh,